मंदसौर से सुवासरा सीट का उपचुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है। यहां से कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन पुराने बीजेपी नेताओं को ये रास नहीं आ रहा। इनमें से एक है अंशुल बैरागी। अंशुल बैरागी आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं और साथ ही जिला पंचायत सदस्य भी हैं। अंशुल बैरागी की माने तो भले ही हरदीप सिंह डंग को बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाने की सोच रही है, लेकिन उनकी दावेदारी जारी रहेगी। अंशुल इशारों में ये भी बता रहे हैं कि वो निर्दलीय तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित रूप से दावेदारी आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे और पहले भी की है, और दावेदारी करना हक बनता है प्रत्येक उस कार्यकर्ता का जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है। कितना संगठन या कितना जो यूथ है वो आपके साथ मानते हैं और किस विचारधारा के साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे? यदि लड़ाई हक की हो तो आपको राजनीतिक दलों से हटकर लड़ाई लड़ना चाहिए, और परिस्थितियां अगर अनुकूल हो, लगता है कि कहीं ना कहीं आप चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में हो, तो लड़ जाना चाहिए, जो मैंने पहले भी किया है। और रही बात संगठन की, तो संगठन भी देश काल परिस्थितियां और वातावरण देख के डिसीजन लेती है, क्योंकि महत्वपूर्ण होती है जीत, और भारतीय जनता पार्टी को आज के समय में जीत चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? दली निर्दलीय की स्थितियां उस दिन डिसाइड होगी जिस दिन चुनाव घोषित हो जाएगा, और परिस्थितियां क्या बनती है उस समय, उस दिन के हिसाब से तय होगा कि चुनाव लड़ना है, आगे बढ़ना है या क्या करना है। यानी कहीं ना कहीं आप चुनाव लड़ने के पूरे मूड में हैं। हर वो व्यक्ति जो राजनीति में आया है उसकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, चाहे तरीका कुछ भी हो। फाइनली आप चुनाव लड़ने के पूरे मूड में हैं? पहले भी लड़ा हूं, परिस्थितियां देख के अब भी लड़ लूंगा। बीजेपी में नाराजगी का दायरा बड़ा है। ये बात पूर्व विधायक और 2018 के विधानसभा चुनाव में हरदीप सिंह डंग से हारने वाले राधेश्याम पाटीदार भी मान रहे हैं। राधेश्याम पाटीदार को पार्टी ने हरदीप सिंह डंग को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन पाटीदार की माने तो इस बार का चुनाव काफी मुश्किल है। निश्चित रूप से जो पिछला चुनाव रहा है, हमारा हार जीत का मार्जिन 350 वोटों का था, और भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता थे उन्होंने तो पूरी पार्टी के लिए मेहनत की है, लेकिन कुछ हमारे लोग मिले हुए थे उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नीचा देखना पड़ा। और आज भी मैं सोचता हूँ कि वो लोग शैतानी आज भी कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है उनको। निश्चित रूप से हमने बारीकी से होमवर्क किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, संगठन मंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है, और हम पूरा बारीकी से और पर्याप्त मेहनत भारतीय जनता पार्टी को सुवासरा विधानसभा में करनी पड़ेगी। आप भी विधायक रहे, आपके समर्थकों में भी नाराजगी देखी जाती है, आप मेरे समर्थकों में नाराजगी का एक ही कारण दिखाई देता है कि जिन्होंने पार्टी का ईमानदारी से काम किया है और जिन लोगों ने पार्टी की फिट में छुरा भोंका है, आज अगर उनको कहीं हाईलाइट हो रहे हैं वो, तो उस बात को लेकर निश्चित रूप से ईमानदार कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं उनमें नाराजी है, इसमें कोई दो मत नहीं। हरदीप सिंह डंग 2018 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सिद्ध किया कि बगावत के वक्त पार्टी और विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। डंग शिवराज सरकार में मंत्री हैं और अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सुवासरा में पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है वो डंग के लिए ठीक नहीं है। मंदसौर से आकाश चौहान की रिपोर्ट, MP तक।